प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। बरसेगा विघ्न विनायक का आशीर्वाद, मिलेगा अपार सुख और संतान का प्रसाद, सारी विघ्न बाधाएं हो जाएंगी दूर, जीवन में आएगी संपन्नता भरपूर। अगर आपके आंगन में अब तक किसी नन्हे मुन्ने की किलकारी नहीं गूंजी, तमाम कोशिशों के बावजूद आपकी गूंज सुनी है, तो आज गणपति की कृपा से आपकी ये मनोकामना भी पूरी हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस संकष्टी चतुर्थी पर संतान प्राप्ति के विशेष प्रयोगों के बारे में। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें, गणपति के सामने घी का दीपक जलाएं, गणपति को अपनी उम्र के बराबर तिल के लड्डू चढ़ाएं, ओम नमो भगवते गजाननाय का जाप करें। पति पत्नी एक साथ ही प्रयोग करें तो उत्तम होगा। हर माँ बाप अपनी संतान की उन्नति की भी कामना करते हैं, लेकिन अच्छी परवरिश के साथ साथ अगर गणपति का विशेष आशीर्वाद भी मिल जाए तो आपकी संतान शिक्षा के उच्च शिखर तक जा सकती है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। भगवान गणेश को संतान के हाथ से दूध और लड्डू अर्पित करवाएं, इसके बाद अपनी संतान से ओम गम गणपतये नमः का जाप करवाएं। अपनी संतान के साथ बैठकर इस मंत्र का जाप करें, फिर प्रसाद का लड्डू संतान को खाने के लिए दें। शास्त्रों में जिस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है, ठीक उसी प्रकार संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का भी विशेष महात्म्य बताया गया है। इसे सकट चौथ भी कहा जाता है। माताओं द्वारा बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को किया जाता है। इससे संतान के दीर्घायुष में वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, यश कृति में वृद्धि होती है। अगर आपकी संतान की सेहत खराब रहती है, उसकी कुंडली में आयु का कोई दोष है, तो आज करें यह खास उपाय। श्री गणेश की कृपा से आपकी संतान की सेहत सुधर जाएगी और आयु दोष भी दूर होगा। गणेश जी के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं, गणेश जी को बेलपत्र चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी के सामने बैठकर वक्र तुंडाय हुम का 108 बार जाप करें। अगर संतान के साथ ही प्रयोग करें तो ज्यादा उत्तम होगा। इसे त्रिकुट चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। भगवान गणपति की उपासना से संतान के सभी सुखों में वृद्धि होती है। इस व्रत का महात्म्य शास्त्रों में अनंत बताया गया है, अक्षय बताया गया है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। संकष्टी चतुर्थी पर आपको मालामाल कर देंगे सिद्धि विनायक गणेश, लेकिन इसके लिए करना होगा आपको एक खास उपाय। लेकिन वो कौन सा उपाय है, आइए जानते हैं। पीले रंग के भगवान गणेश की आराधना करें, गणपति को दूध की माला अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं, फिर वक्र तुंडाय हुम का जाप करें और धन लाभ की प्रार्थना करें। धूप की माला अपने पास सुरक्षित रख ले। संकष्टी चतुर्थी व्रत में काले तिल का जो लड्डू होता है उसका प्रयोग होना चाहिए। काले तिल के प्रयोग से शुभता बढ़ती है, आरोग्यता बढ़ती है, परंतु कंद मूल वाले फल वर्जित माना गया है। इस तरह ज्योतिष के जानकारों की माने तो संकष्टी चतुर्थी के ये उपाय रामबाण उपाय साबित हो सकते हैं। तो इस अद्भुत दिन का लाभ उठाइए और बना लीजिए अपनी जिंदगी को और भी संपन्न और भी खुशहाल।
विघ्नहर्ता गणेश की उपासना का सबसे शुभ दिन। जीवन के हर संकट हर बाधा को दूर करने का दिन। ज्योतिष के जानकारों की माने तो संकष्टी चतुर्थी पर गणेश की विशेष उपासना से इंसानी जिंदगी की हर परेशानी का अंत हो सकता है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई संकट मंडरा रहा है या आपके हर काम में कोई न कोई बाधा आ रही है तो करें ये उपाय। पीले कपड़े पहनकर भगवान गणेश के सामने बैठें, गणेश जी के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं, अपनी उम्र के बराबर लड्डू लें और एक एक कर गणपति को चढ़ाएं। हर लड्डू के साथ गम का जाप करते जाएं, फिर बाधा दूर करने की प्रार्थना करें। उपासना के बाद एक लड्डू खुद खाएं और बाकी दूसरों में बांट दें। संकष्टी चतुर्थी का एक खास मंत्र भी है जिसके जाप से श्री गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न मुद्रा में श्री गणेश अपने भक्तों की मनचाही मुराद पूरी कर देते हैं। तो देखिए संकष्टी चतुर्थी पर गणपति का विशेष मंत्र क्या है। वक्रतुंडाय हूं, तो इस अद्भुत मंत्र का जाप करिए और गणपति की विशेष कृपा पा लीजिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।